प्यारे बच्चों, जेसीईआरटी द्वारा इंग्लिश कोर का मॉडल सेट 1 का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता पा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर इंग्लिश कोर का वीडियो दीजिए, आंसर बताइए। तो मेरा तो अंग्रेजी कमज़ोर है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करके ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसमें तो हम पढ़ नहीं पाएंगे, बस केवल आप लोग को आंसर दिखा दे रहे हैं। इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इससे संबंधित सवाल के जवाब देना है। जैसे हु वाज अलेक्जेंडर, तो अलेक्जेंडर कौन था, तो यहाँ लिखा हुआ अलेक्जेंडर द सन ऑफ किंग फिलिप्स। वाज द रूल ऑफ जो भी लिखा है इन ग्रीस। दूसरा क्वेश्चन है, उसका आंसर है आप लोग देख सकते हैं। बच्चों, मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, लेकिन फिर भी बच्चा लोग का कल्याण हो जाए इसके लिए मैंने ये आंसर तैयार किया है। आप लोगों को असुविधा ना हो इसीलिए मैं केवल आंसर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, अब क्या कहें, कमज़ोर है तो कमज़ोर है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, बचपन में पढ़े नहीं ठीक से। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, नोटिस लिखना है। यहाँ अपना नाम लिख देना है, सेक्रेटरी, अपना जगह का नाम, डेट डाल देना है। फिर ये 9th नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर है द एडिटर द टाइम ऑफ इंडिया बहादुर शाह जफर मार्ग रांची, सब्जेक्ट द लिविंग कंडीशन इन, जो भी लिखा हुआ है सर, थ्रो द कॉलम द, ये इस तरह आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, आप देख सकते हैं। अब इसमें ख़राब लगने लगा क्या बात है, जब इंग्लिश कमज़ोर ही है तो कमज़ोर है, लेकिन फिर भी मैं बच्चों के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि उसका एग्ज़ाम बढ़िया से चला जाए और बच्चे इससे लाभान्वित हो। अब देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है, जो बच्चे इंग्लिश कोर के हैं वो इस वीडियो को रोक रोक कर इसका आंसर कर लीजिएगा। सेक्शन सी है, राइट आंसर इन नोट ऑफ मोर देन 50 वर्ड्स में लिखना है, द थिंग ऑफ ब्यूटी पर पोयम है, तो इसका आंसर है द पोएट ऑफ जॉन काइट्स ऑल द लिटिल एज वेल एज बिग थिंग ऑफ ब्यूटी आर सक्सेस ऑफ प्लेजर। तो आप लोग इसको कर लीजिए भाई। 12 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर है, ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है, और ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आप लोगों को मेरे ब्लॉगर साइट पर ये नोट्स उपलब्ध हो जाएगा, वहाँ से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। आज या कल में मेरे साइट पर ये आ जाएगा। यदि आप लोगों ने इकोनॉमिक्स प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, उस पर अभी आपको सभी चीज़ के मॉडल सेट के आंसर उपलब्ध होंगे। कुछ कुछ बचा हुआ है उसको हम कर देंगे जल्दी से जल्दी। तो आप लोग देख सकते हैं, ये 16 नंबर क्वेश्चन का है, ये 17 नंबर है,
सेक्शन डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बच्चे इसका ज़रूर लाभ उठा सके। हमको इंग्लिश नहीं आता है फिर भी हम आप ही लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।